हेलो, गुड आफ्टरनून मित्रों। वॉइस आ रहा है? हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल है सब? सब लोग आ गए? तो ये बताओ, कल हमने क्या बात की थी? टैक्सोनॉमी की आई थिंक हमने बात की थी ना कल। टैक्सोनॉमी से हमने कुछ, मैंने उसमें बताया था टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, वो किसने दिया था, है ना, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन चीजों के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी ना, है ना। तो टैक्सोनॉमी वो समझ में आया है ना। अब सुनो, अब हम लोग बात करते हैं ये जो टैक्सोनॉमी में जो हम फॉलोइंग पॉइंट्स की जो स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के को जानने के लिए तो इसकी स्टडी की जाती है। क्यों भाई? आइडेंटिफिकेशन के लिए, नॉमनक्लेचर के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, ये सारी चीजें टैक्सोनॉमी में की जाती हैं। मैंने बोला था इसके बारे में कि भाई किसी भी एरिया में एंट्री करने के बाद अगर हम ये फोर पॉइंट्स की स्टडी कर लें, जैसे आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एफिनिटीज की स्टडी कर लें, तो उसका मतलब है कि उस एरिया में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमने सिस्टमेटिक स्टडी कर ली है कि नहीं। समझे कि नहीं समझे? इन सब की बात की थी। तो अब चलो हम पर्टिकुलर एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमी में आता है ना आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वर्ड से क्या समझते हैं आप लोग? आइडेंटिफिकेशन भाई, आइडेंटिफिकेशन से क्या समझते हैं आप लोग? क्यों भाई? फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफिकेशन वर्ड को समझने के लिए देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो, इस बार घूमने कौन जाएगा ये बताओ। इस बार मैं घूमने के लिए किसको भेजूं? कौन जाएगा इस बार? फॉरेस्ट में मैं भेजूंगा, वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है ना। कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैं जाऊंगा। ठीक है, सबको भेज देंगे, फॉरेस्ट में तो ज्यादा खर्चा नहीं होता, सबको भेज देंगे। देखो तो होता क्या है कि मानो, सपोज करो कि मैंने आपको फॉरेस्ट में घूमने के लिए भेज दिया, ठीक है। तो फॉरेस्ट में आपने एंटर किया, ठीक है, फॉरेस्ट में एंटर किया तो आपने किसी एक एनिमल को जमीन पर रेंगते हुए देखा इस तरीके से। यूं 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 कोई चल रहा था, कोई एनिमल इस तरीके से रेंग रहा था, इस तरीके से, है ना। तो आपने उसको देखा, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा? उस रेंगते हुए जो हमने एनिमल को देखा था, हमारा ब्रेन उस रेंगते हुए एनिमल को या उसके कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर क्या उसका रेंगना इस तरीके से, मैच करेगा ब्रेन हमारा, मैच करेगा कि नहीं। और दिमाग की मेमोरी से हमें ये बता देगा कि भाई ये कौन है, ये एक स्नेक है। कौन है ये? एक स्नेक है, बता देगा कि नहीं, है ना, कि हम बचपन से ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हमने किसी एनिमल को पहले से देखा है, अगर हमने किसी एनिमल को पहले से देखा है, तो ब्रेन मैच, ब्रेन से मैच करेगा कि नहीं? भाई ब्रेन से मैच करेगा, तभी तो पता चला ना कि स्नेक है कि नहीं। और अगर नहीं देखा है पहले, अगर नहीं देखा है तब क्या करेंगे हम लोग? मान लो फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब हम उस एनिमल के जो कैरेक्टर्स हैं, उस एनिमल के जो कैरेक्टर्स हैं उसको नोट डाउन करेंगे, जैसे कि इसका इस तरीके से रेंगना, समझे कि नहीं। उसके कैरेक्टर्स को नोट डाउन करेंगे, है ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को उसकी जो भी हैं। फिर हम उसका पर्टिकुलर क्या करेंगे, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसका आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ टर्म? तभी तो नेम दोगे ना। हेलो, समझ में आया आइडेंटिफिकेशन में क्या कर रहे हैं? सर आइडेंटिफिकेशन में हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और फिर पर्टिकुलर उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद हम एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में उसको असाइन कर देंगे।
है कि नहीं, उसकी उसकी जो जगह जो है वो दे देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में जाते हैं जो छोटा क्लास का जो बच्चा होता है प्ले ग्रुप वाला, उसको कौन सी क्लास में बिठाएंगे? प्ले ग्रुप वाली में ना भाई। मान लीजिए जो वहां पे गार्ड है, जो वॉचमैन वगैरह है, उसने किसी छोटे से बच्चे को पिकअप किया, तो उसको कहाँ लेके जाएगा? किसी प्ले ग्रुप वाली छोटी क्लास में ही ना, कि मैडम देखिए क्या ये बच्चा आप ही के यहाँ का है क्या, आप ही की क्लास का है क्या, ऐसे करेगा कि नहीं? या ट्वेल्थ वाली में ले जाएगा कि हाँ भाई चलो ट्वेल्थ वाली में बैठना, और क्या पढ़ना? बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, कि प्लेन कैसे उड़ता है, क्या भाई समझे कि नहीं समझे? तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है ना सबसे पहले, कि वो बॉय है गर्ल है, कोई चिंकू मिंकू पिंकू रानी क्या नाम है उसका, छोटा है कि नहीं। अब कोई छोटा बच्चा होगा तो उसके छोटे से ही नाम होंगे, है ना? तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन में एक तो यह है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमें हमारे ब्रेन ने मैच कर लिया, हमें पहले से पता है कि ये स्नेक है, और अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन करेंगे कि नहीं, उसके कैरेक्टर्स वगैरह को नोट डाउन करेंगे या नहीं, बोलो, है ना? तभी तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कि डॉग को देखोगे और चिल्लाने लगोगे ये शेर है ये शेर है ये शेर है, तो आपके कहने से वो शेर हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। पड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, नेबर्स, और कहेंगे देखो ये तो पागल हो गया है, मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। समझे कि नहीं समझे? देखो भाई आइडेंटिफिकेशन, तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम? समझ में आया आइडेंटिफिकेशन का मतलब? ये बताओ, अ प्रोसेस बाई विच एंड ऑर्गेनिज्म, अ प्रोसेस बाई विच एंड ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज फ्रॉम अदर फ्रॉम द अदर एंड इज असाइंड असाइंड टू अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? देखो बेटा बायोलॉजी में ना थ्योरी, आप चार राइटर की चार पब्लिकेशन की थ्योरी ले आओ, आपको चार पब्लिकेशन की थ्योरी मिल जाएगी, उसमें चार चीजें एक्स्ट्रा लिखी होंगी, है ना? थ्योरी का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी थ्योरी मार्केट में अवेलेबल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो अच्छी चीज है बायोलॉजी में, वो है कि सबसे पहले आप समझ लो जो कंसेप्ट है, जो चीजें हैं उसको समझ लो, ठीक है कि नहीं? उसके रिगार्डिंग थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो समझना जरूरी है रट्टा मारने से पहले, क्योंकि जब वहां 3 घंटे का एग्जाम दोगे तो जो आपने पूरे 2 साल पढ़ा है, जो समझा है दिमाग से, जो समझा उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, रटने से क्वेश्चन सॉल्व वहां इतना नहीं होगा, है ना? समझे नहीं समझे? तो आइडेंटिफिकेशन क्लियर, ये कॉपी कर लिया, आगे चलें, नॉमेनक्लेचर करें। देखो भाई आइडेंटिफाई हमने कर लिया, सेकेंड हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। देखो नॉमेनक्लेचर जरूरी क्यों है भाई? जो ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोग क्या करेंगे, कोई नेम देंगे ना हम किसी ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे क्या देंगे? नेम देंगे। और नेम जो यहाँ पे हम देंगे वो इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग देंगे, जो साइंटिफिक रूल्स दिए गए हैं। आपने कुछ नाम पढ़े होंगे, जैसे मैंगी फेरा इंडिका मैंगो को कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो को कहते हैं, सोलेनम मेलोनजीना ब्रिंजल को कहते हैं, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे हम नॉमन क्लेचर देंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर एक नाम देंगे, ठीक है? जो हमारे लिए रूल्स दिए गए हैं नॉमन क्लेचर के लिए, जो रूल्स दिए गए, आगे हम उसको पढ़ेंगे आईसीबीएन को, नॉमन क्लेचर के लिए कौन कौन से रूल दिए गए हैं, किसने नॉमन क्लेचर किया, वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर?
यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपका एक नाम है, जैसे हम लोगों को क्या बोला जाता है, हम लोग ह्यूमंस हैं कि नहीं, हम लोग ह्यूमंस हैं ना। अब ह्यूमंस हैं तो पर्टिकुलर उसमें भी तो फिर डिवाइड किया गया है, भाई गर्ल है, बॉय है, मैन है, फीमेल है, तो भाई ओल्ड एज पर्सन है। इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल ऐसा क्यों दिया गया, ये साइंटिफिक रूल्स क्यों दिए गए, इन सब की बात मैं 10 दिन के बाद फुल तरीके से करूंगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर, है ना। जैसे आप सभी का क्या है, कोई ना कोई नेम है ना, शिवानी है, प्रशांत है, मनीष है, प्रगति है, पायल है, सभी के कुछ ना कुछ नेम्स हैं, है ना। कोई ऐसा बच्चा है जो आज या कल की क्लास में नया आया है, कोई ऐसा बच्चा जो नया आया है रिसेंटली ग्रुप में ऐड है ना, वो तो ये नोमेनक्लेचर की बात हो गई। थर्ड हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की। देखो भाई क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब जो ऑर्गेनिज्म है उस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स ले लो या एनिमल ले लो, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे हैं, है ना। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमने क्या किया, उनकी कैटेगरीज बनाई है ना, कि भाई जैसे मैमल्स हैं तो मैमल्स एक कैटेगरी हमने बनाया है, रेप्टाइल्स है तो रेप्टाइल्स का एक क्लासिफिकेशन अलग दिया गया है ना, रेप्टाइल्स हो गए, एप्स का हमने दिया है, पाइसेस का हमने दिया है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके कितने कैरेक्टर्स उसके साथ मिलते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर, कौन से फीचर है, कितनी सिमिलरिटी है उसमें, उसी के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी 11th क्लास के हैं, सब बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप सबका क्लासिफिकेशन है कि नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो MBA का हो, कोई नर्सरी का हो, तो भाई और आप सबकी जो एज होगी वो अप्रोक्स 15-16 साल के आसपास होगी, है कि नहीं। क्या ऐसा है कि 2 साल का 3 साल का बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है या 60 साल का कोई बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, है ना। 60 साल का हालांकि बच्चा तो नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो, मैं तो टीच कर रहा हूँ, मेरे लिए तो बच्चा ही होगा, समझे कि नहीं। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म हमको पता लगे हैं, हम उनकी सिमिलरिटी वगैरह के कितने कैरेक्टर हमने, उसके कितने कैरेक्टर देखे, कितने ऑब्जर्व किए, जिसकी वजह से वो एक जैसा हमें मिला, हमने उसकी कैटेगरी बना दी। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में एल्गी होती है, ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। भाई जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं कि नहीं, सीड्स देते हैं। क्या एल्गी सीड देता है क्या, ये तो पढ़ा होगा छोटी क्लास में सभी ने, बोलो। हेलो बच्चों, वॉइस आ रहा है क्या, समझे। तो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिजम्स का कि भाई हमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उनमें कितनी ज्यादा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम मिलती हैं, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर देंगे। जैसे बर्ड्स हैं तो बर्ड्स जो होते हैं सब उड़ते हैं ना, क्यों भाई, हम लोगों को बर्ड्स की कैटेगरी में डाला गया है क्या, एप्स की कैटेगरी में, एप्स बोलते हैं ना, फाइलम एप्स, क्लास है उनकी एप्स, फाइलम कॉर्डेटा, तो एप्स में डाला गया है क्या हमें, नहीं ना। क्या हमें रेप्टाइल्स के साथ डाला गया है क्या उस ग्रुप में, नहीं नहीं डाला है ना, क्यों नहीं डाला, यानी कि उनके हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच नहीं खाते हैं, कुछ तो अलग है जिसकी वजह से हम सेम नहीं है, एक ही कैटेगरी में नहीं डाले गए, क्यों भाई, समझे कि नहीं समझे। क्लासिफिकेशन क्या है, तो अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट एक सेकेंड,
कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सेम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लियर है क्या क्लासिफिकेशन में भाई? जैसे मैंने आपको एक मान लो एक लिस्ट दे दी जिसमें 100 नेम्स हैं, जिसमें क्या है 100 नेम्स हैं, और वो जो नेम्स हैं ना वो हर किसी को बिलोंग करते हैं, हर चीज को। उसमें पेन का भी मान लो कोई नाम है, उसमें किसी शहर का भी नाम है, उसमें ह्यूमंस के भी नेम है, उसमें बॉय के भी नेम है, उसमें गर्ल के भी नेम है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा इन सब की कैटेगरी बना दो, आप इसमें जो 100 नेम्स दिए हैं आप इसको पूरा क्लासिफाई कर दो, तो आप कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर दोगे ना? ऑब्वियसली अगर उसमें लिखा है पुणे तो आप एक कैटेगरी बनाओगे किसकी, सिटी की, सिटी पुणे, बनाओगे कि नहीं? अगर उसमें लिखा है आगरा तो क्या करोगे, आगरा हाँ एक सिटी में चला गया। हो सकता है कि जैसे ये जो पुणे है, पुणे महाराष्ट्र में आता है, तो पुणे महाराष्ट्र में आता है तो महाराष्ट्र के और भी शहरों के नाम हो, जैसे औरंगाबाद हो, लोनावला जगह का नाम हो, तो आप पर्टिकुलर उन जगह को उठा के क्या करोगे, फिर से कैटेगरी बना दोगे कि ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये यूपी के अंदर है, जैसे आगरा है, मथुरा है, और उसमें नाम है रिंकू चिंकू पिंकू, तो आप इसको क्या करोगे, रिंकू चिंकू पिंकू किसके नाम होंगे, किसी बच्चे के नाम होंगे, किसी बॉय के नाम होंगे, मेल के, तो आप मेल की कैटेगरी में डाल दोगे। वही रीता सीता गीता ये नाम होंगे तो आपने फीमेल की कैटेगरी में डाल देंगे। समझ में आया कि नहीं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, कि कैटेगरी कैटेगरी की सब कैटेगरी इस तरीके से बनाते चले जाएंगे कि हमें कितनी सिमिलरिटीज वगैरह देखने को मिलती है। समझे कि नहीं समझे? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और, चलो एक और मैं बताता हूँ। आप कभी कहीं घूमने तो गए होंगे, इतनी बार तो मैंने भी भेज दिया आपको, है कि नहीं? कितनी बार भेज दिया आपको? तो अगर आप कहीं जैसे बाहर घूमने जाते हैं तो लोग आपसे पूछेंगे कि इंडिया में मान लो कहीं घूमने भेजा तो लोग पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं, तो आप क्या बोलोगे, हम महाराष्ट्र से आए हैं, ऐसे बोलोगे कि नहीं? तो आपने एक बड़ी कैटेगरी का नाम लिया महाराष्ट्र। अगर वो जो पर्सन है वो महाराष्ट्र के बारे में जानता है तो पूछेगा महाराष्ट्र में कहाँ से हैं आप, तो आप बोलोगे हम पुणे से हैं। और मान लीजिए वो पर्सन पुणे को भी जानता है, उसने पूछा कि पुणे में कहाँ से हैं आप, प्रॉपर पुणे से, आप कहेंगे नहीं हम बारामती से हैं। समझे कि नहीं? तो वो कहेगा अरे बारामती तो बहुत अच्छा प्लेस है, बारामती से हैं क्या प्रॉपर, या आसपास किसी और गांव से हैं? तो आप क्या बोल सकते हैं, हाँ भाई जो आसपास यहाँ के और गांव है, जैसे शायद फल्टन एक गांव है, फल्टन एक जगह है, हाँ हम फल्टन से बिलोंग करते हैं वहां पर। तो पर्टिकुलर देखा आपने एक महाराष्ट्र नाम लिया और आपने उसकी कितनी कैटेगरी धीरे धीरे नीचे कर दी, क्लासीफाई कितना हो गया। समझे क्लासिफिकेशन? कोई दिक्कत इसमें है ना? तो हमने जो ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स थे, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हमें आ रहे थे, हमने उसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई कर दिया। तो ये तीनों चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और यही चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे की क्या करती हैं बेटा, हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। आप कहोगे सर हेल्प कैसे करती हैं, तो देखो भाई ध्यान से हमने तीनों देखे ना, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट है नॉमनक्लेचर। बेटा आपकी बायो की ये लास्ट क्लास होती होगी ना, इसके बाद आई थिंक कोई क्लास नहीं होता होगा आपका। देखो बेटा आइडेंटिफिकेशन की बात की गई है, तो आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया एक ऑर्गेनिज्म को। तो जब हमने एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको एक पर्टिकुलर प्लेस मिल जाएगा कि नहीं, कि भाई मिल जाएगा ना, ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या देंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस देंगे या नहीं?
अब रस्सी को देखोगे तो रस्सी को अगर सांप सांप चिल्लाने लगोगे, स्नेक है स्नेक है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्यों भाई, कभी कभी हम लोग रस्सी को देख के चिल्लाते हैं कि नहीं, डर जाते हैं कभी कभी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, फिजिकली बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये आइडेंटिफिकेशन हेल्प किसकी करेगा, आपने किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, और ह्यूमन है, अच्छा अब बॉय है गर्ल है या ओल्ड एज पर्सन है या छोटा बच्चा है। पर्टिकुलर प्लेस, गिव पर्टिकुलर प्लेस, आइडेंटिफिकेशन किसकी हेल्प करेगा बताओ, हेल्पिंग फॉर, इस क्लासिफिकेशन की हेल्प करेगा कि नहीं भाई। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एक स्नेक है, तो आप उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हो, उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन हेल्प करता है क्लासिफिकेशन की और नोमेनक्लेचर की, समझे कि नहीं। अब नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या करेगा, सर हम जो हमें ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम उसको कैटेगरी, सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ना सर, कर सकते हैं कि नहीं बोलो। ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड अंडर कैटेगरी और सब कैटेगरी, है ना। तो आप क्लासिफिकेशन जो करोगे किसके बेसिस पर करोगे बताओ, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो क्लासिफिकेशन जो होगा वो किस पे बेस्ड होगा, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे बेस्ड होगा ना, कि उस ऑर्गेनिज्म में कितनी सिमिलरिटी है कितनी डिसिमिलरिटी है कि नहीं। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में सिमिलरिटी है कि नहीं, और डिसिमिलरिटी क्या है कि सर यहाँ पे गर्ल है और बॉय है, समझे नहीं समझे। उस अकॉर्डिंग से क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हेल्प किससे ले रहा है, आइडेंटिफिकेशन से ले रहा है, नॉमनक्लेचर से ले रहा है, क्यों भाई हेल्प ले रहा है कि नहीं। क्लासिफिकेशन जनरली रिसीविंग हेल्प थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, क्लियर बच्चों। आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्लियर, अब नॉमेनक्लेचर, नॉमनक्लेचर में क्या करते हैं भाई, हम नेम देते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे सर, नेमिंग करते हैं, क्या करेंगे नेम देंगे। अब जो नेमिंग जो देते हैं यहाँ पे, दो टाइप के नेम हैं, टू टाइप्स ऑफ नेम गिवन, टू टाइप्स नेम, दो टाइप के नेम्स हैं, कौन कौन से सर। एक तो होता है बेटा कॉमन नेम, एक होता है बायोलॉजिकल नेम,
बायोलॉजिकल नेम। अब देखो नॉमनक्लेचर तो समझ में आया था ना सर, किसको कहते हैं नॉमनक्लेचर, है ना भाई, नामकरण करना, क्या करना, नेम वगैरह देना। फॉर एग्जाम्पल भाई कोई छोटा बच्चा है तो उसका नेम क्या होगा, चिंकू मिंकू पिंकू, उसी नाम से बुलाएंगे ना। कोई न्यूली बॉर्न बेबी होगा जो, उसको ऐसे थोड़ी बुलाएंगे ये सत्यनारायण प्रकाश इधर आओ, छोटे से बच्चों को ऐसे बुलाता है क्या कोई, डर जाएगा बेचारा, है ना। तो उसका नोमेनक्लेचर उसके एज के हिसाब से होगा। अब वहीं कोई ओल्ड एज पर्सन होगा उसका नेम उनके हिसाब से होगा, कोई गर्ल है तो उनका नेम गर्ल के हिसाब से होगा, और कोई बॉय है तो उनका नेम बॉय के हिसाब से होगा। तो अगर मैं आपको एक लिस्ट दूं 100 नेम्स की नॉमेनक्लेचर पे बेस के, ये लो भाई ये ह्यूमंस के 100 नेम्स हैं, इसको क्लासिफाई कर दो, इसमें बॉय भी है और इसमें गर्ल भी है, सब मिक्स हैं, तो आप उसको आराम से क्लासिफाई कर सकते हो कि नहीं, बोलो क्या सब बच्चे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं। हेलो, अच्छा ये बताओ अगर उसमें एक नेम दिया गया है नीलम, क्या नेम दिया गया है नीलम, क्या नाम दिया मैंने नीलम, तो ये बताओ कि ये जो नीलम नेम है ये किसका नेम होगा, किस में डालोगे आप, गर्ल में बॉय में, गर्ल का नेम होगा है ना, तो गर्ल का नेम है नीलम पता चल रहा है। लेकिन बेटा मेरे ना कॉलेज में सीनियर थे जिनका नाम था नीलम और वो एक बॉय था, वो एक बॉय था उसका नाम था नीलम, समझ रहे हो। और जब मैं अपने घर पे आया था तो घर वालों ने देखा इसमें एक नाम फीड है नीलम सर करके, है ना, तो घर वालों की याद रहती है, जब नया नया कॉलेज से वापस आया तो उन्होंने फोन बुक चेक की और उसमें नाम था नीलम सर, तो कहते हैं नीलम सर कौन होता है, नीलम मैडम होती है, ये नाम तुमने सर के सर क्यों लिख रखा है इस पर, है ना। तो उसके चक्कर में बवाल हो गया। तो नॉमनक्लेचर सही होना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो नाम के चक्कर में बहुत बवाल होते हैं। ये जो स्टोरी है मैं जब साक्षात क्लास में मिलूंगा ना तब आपको बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ था इस नीलम नाम के चक्कर में। तो नॉमनक्लेचर होना सही जरूरी है, समझे कि नहीं। तो देखो अब कॉमन नेम और बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम मतलब क्या होता है सर, आप किसकी बात कर रहे हैं कॉमन नेम। देखो फॉर एग्जाम्पल कॉमन नेम, इसको मैं आगे वाली स्लाइड पे लेता हूँ, ठीक है, इस कॉमन नेम को हम लोग आगे वाली स्लाइड पे पढ़ते हैं। कॉमन नेम, कॉमन नेम मतलब पोटैटो, पोटैटो जो है वो इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आलू बोलते हैं, है ना, लोकल लैंग्वेज में जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे आलू बोलेंगे, आप लोगों की मराठी में क्या बोलते हैं पोटैटो को, हाँ किसी ने तो आंसर दिया सर बटाटा, हाँ देखो क्या नाम दिया, आपके मराठी में बटाटा बोलते हैं, हो सकता है साउथ में इसका नाम कुछ और होगा, है कि नहीं। अगर हम यूपी में जाके अपने यहाँ पे यूपी में जाके अगर उससे बोलें सब्जी वाले से कि हमें 2 किलो बटाटा दे दो, तो वो गाल पे रख देगा दो, इतनी देर में कहेगा ये बटाटा बटाटा क्या होता है, दो सटाटे सटाटे गाल पे चिपका देगा हमारे, ऐसा होता है वहां पे, है ना। तो ये क्या देखा गया कि भाई जो नॉमन क्लेचर है, हर एक इतनी सारी लैंग्वेज है, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, हर जगह पे हर एक चीज का नाम अलग अलग है, हर चीज का नाम अलग अलग है। जैसे पोटैटो को ही देख लो, हमारी इसी देश में एक जगह आलू बोलते हैं, एक जगह बटाटा बोलते हैं, और हो सकता है कि ये जो वर्ड है एक किसी और की लैंग्वेज में वो गाली हो, एब्यूज हो, अच्छा वर्ड ना हो उसकी लैंग्वेज में, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो इसके लिए ये जो कंफ्यूजन है, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम्स दिए, क्या दिए, क्या दिए, बायोलॉजिकल नेम्स दिए, बायोलॉजिकल नेम, या इसको आप साइंटिफिक नेम्स भी कह सकते हैं जिसकी मैंने अभी नोमेनक्लेचर में बात की थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, बायोलॉजिकल नेम्स दिए कि भाई ये हो सकता है कि कहीं पता चले वॉर हो जाए इसी नाम नोमेनक्लेचर के चक्कर में, समझ में ही ना आए कोई, आप बटाटा बटाटा चिल्लाते रहिए मैं आलू आलू चिल्लाता रहूं, दोनों के समझ में नहीं आएगा, समझे कि नहीं।
तो इसके रिगार्डिंग साइंटिस्ट ने ना एक नेम दिया, बायोलॉजिकल नेम, कि भाई आप पूरी दुनिया में आप कॉमन नेम तो अपने आप बोलते रहिए, लेकिन हम एक इस चीज का एक ऐसा नाम दे देते हैं जो पूरी दुनिया में एक ही होगा। आप अगर इस नाम को बोलेंगे तो उसका मतलब समझ में आएगा कि वो पोटैटो आलू बटाटा ही है, समझे। तो उन्होंने एक फिक्स नोमेनक्लेचर कर दिया पर्टिकुलर इस चीज का। जैसे पोटैटो को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्लियर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रिंजल ले लिया, बेटा ब्रिंजल को क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, मराठी में क्या बोला जाता है ब्रिंजल को, वांग, वांग, वांग ना। वांग ना। अब देखो हम लोग यहाँ वांग बोलेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि वांग क्या मतलब है। और मैं आपसे ऐसे बैंगन, हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, बैंगन बोलते हैं, तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहीं कहीं और चले जाएंगे वहां बोलेंगे तो वहां समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो एक ही चीज के कितने सारे नाम है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए इन्होंने, भाई जो कॉमन नेम था उन्होंने कहा कॉमन नेम तो बदलेगा नहीं, भाई जो लोकल लोग हैं, जो वहां की जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, वो लोग तो उसी चीज को उसी नाम से पुकारेंगे। तो उन्होंने इस दिक्कत ना हो उसके लिए नॉमनक्लेचर कर दिया, समझे। अब पोटैटो है, अब पोटैटो है तो सब्जी खरीदने जाते हो तो कल सब्जी खरीदने जाना, संडे भी है, और सब्जी वाले से कहना मुझे 2 किलो सोलेनम ट्यूबरोसम दे दो, तो देखना वो समझेगा कि नहीं। ऐसे बोलना उसको, भैया मुझे 2 किलो सोलेनम ट्यूबरोसम दे दो, है ना। तो हर जगह का अलग अलग है ना। बट अनएजुकेटेड पीपल, तो बेटा अनएजुकेटेड पीपल की बात नहीं है कि वो सोलेनम ट्यूबरोसम समझेंगे, इसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड की बात नहीं है। वो एक एक पूरे नेशनल वर्ल्ड लेवल पे उस चीज को समझा जाए, उस चीज का नाम सबको पता चले, उसके लिए दिया गया है नोमेनक्लेचर। आप पोटैटो इंग्लिश में बोलिए, मैं हिंदी में बैंगन आलू बोलूंगा, आप बटाटा बोलिए, तो वो लोकल लैंग्वेज हो गई ना, उसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड की कोई बात नहीं है। ये तो साइंटिफिक स्टडी के लिए दिया गया है कि मान लीजिए कोई इंडियन साइंटिस्ट रहा तो वो बोलता रहेगा, अरे भैया मेरे यहाँ पोटैटो मिला है, बैंग आलू मिला है, और अगर मराठी रहा तो बटाटा बटाटा चिल्लाता रहेगा। तो जो विदेशी जो साइंटिस्ट होंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि भैया किसकी तुम बात कर रहे हो, समझे कि नहीं समझे। और हर जगह जेब में पोटैटो लेके तो नहीं घुमा जा सकता ना, तो क्या बोलेंगे, सोलेनम ट्यूबरोसम, समझे कि नहीं समझे। ये साइंटिफिक स्टडी है, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम, मैंने बोला ना कि इसके लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप नाम रख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के नेम हैं, हमारे यहाँ ऐसा नाम होता है क्या, जॉन, हे जॉन, जॉन नाम होता है क्या हमारे यहाँ, बहुत मुश्किल है किसी का नाम जॉन मिलना नॉर्मली, है कि नहीं। नॉर्मल हमारे यहाँ जो हिंदी में जो नेम दिए गए हैं वही होंगे, राहुल, सुयश, गणेश, जयदीप, विवेक, मनीष, मोहन, सोहन, इस तरीके के नाम होंगे ना, राकेश, राजेश, है ना। अब हमारे यहाँ ऐसा नेम देगा क्या कोई अपने बच्चे को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऐसा नाम देगा क्या कोई, नहीं देगा ना, क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं चलता, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग अपने कल्चर के हिसाब से अपना नॉमनक्लेचर करते हैं ना अपने यहाँ के, जिससे लोगों को जल्दी से जाना पहचाना जा सके। क्लियर है कि नहीं। तो समझ में आया कॉमन नेम और बायोलॉजिकल नेम। तो ये जो दिक्कतें, जो समझ मतलब दिक्कतें जो आती थी समझने में चीजों को, उसके लिए बायोलॉजिकल नेम दे दिए गए। अब ये जो कॉमन नेम होते हैं ना, ये जो कॉमन नेम होते हैं, इसका फायदा क्या है, अगर मैं इसके फायदे की बात करूं, किसका फायदा क्या है,
देखो सबसे एडवांटेज की हम जो बात करते हैं कि सर एक तो ये लोकल लैंग्वेज है, क्यों भाई ये जो है पोटैटो आलू बटाटा ये लोकल लैंग्वेज है। अगर आप नॉर्थ में जाके बटाटा कहते हैं, आप यहाँ पे भी पोटैटो ना बोल के बटाटा बोलते हैं, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है क्योंकि वो आपकी लोकल लैंग्वेज है। तो लोकल लैंग्वेज में आपका जो भी चीजों का जो नाम है आप उसी से ही उनको बुलाएंगे। जैसे हमारे यहाँ बॉय गर्ल को हिंदी में लड़का लड़की बुलाते हैं, लड़का लड़की है ना, तो हो सकता है मराठी में उस वर्ड को कुछ और बोलते हो, है कि नहीं। आप राजस्थान में जाओगे तो जैसलमेर साइड में आई थिंक टावर बोलते हैं लड़के को, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद लेकिन आपको टावर बोलते हैं। तो हर जगह नाम अलग अलग होते हैं कि नहीं। अब जैसे आप मथुरा में जाओगे, जहां पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहां मथुरा में आप जाओगे तो वहां पे जो ब्रज की लैंग्वेज है वहां पे बॉय गर्ल को छोरा छोरी बोलते हैं, समझे। तो वहां की लोकल लैंग्वेज है, तो लोकल लैंग्वेज यानी कि जो कॉमन नेम है ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज में होते हैं, और ये जनरली शॉर्ट होते हैं। आलू बटाटा कैसा है, शॉर्ट नेम है कि नहीं। अब उसी का नेम ले लो सोलेनम ट्यूबरोसम, ऐसा लग रहा है नाम लेने में ही इतनी सारी एनर्जी मेरी खर्च हो गई, समझे कि नहीं समझे। इतनी देर में तो चार सब्जियों के नाम हम लोग ले लेंगे, है ना। और तो इसका मतलब क्या है सर, ये इजी टू लर्न है, इजी टू स्पीक है, इजी टू राइट है, क्लियर है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात सर, चाइल्डहुड से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है लोगों के साथ, चाइल्डहुड से बहुत ज्यादा फैमिलियर है। बोलो। अब जैसे कि इस समय मौसम कितना अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है ना, कितना लाजवाब मौसम हो रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, एकदम बारिश हो रही है, बढ़िया है ना। तो ऐसे मौसम में क्या मन करता है कि पराठे खाए जाएं, है ना। जैसे हिंदी में हम लोग पराठे बोलते हैं, हो सकता है आपकी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो, है ना। आलू के खाए जाएं, है ना, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी बटाटे के पराठे बना लो। मैं क्या बोलूंगा, आलू के पराठे बना लो, ऐसा थोड़ी बोलोगे सोलेनम ट्यूबरोसम के पराठे बनेंगे आज। हाँ मम्मी पता लगा दो गाल पर रख दी इतनी देर में, ये क्या फालतू अनाप शनाप बोलते रहते हो, समझे कि नहीं। तो नॉमन क्लेचर का सही होना बहुत जरूरी है, तो जहां पे उसको जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए वो आना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत मेरे ख्याल से अब नहीं होगी। तो नॉमन क्लेचर के लिए हम आगे पढ़ेंगे बाइनोमियल नॉमन क्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमन क्लेचर, ठीक है। दो बेटा, फिर हम नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। किसकी बात करते हैं, सिस्टमैटिक्स की। देखो बेटा सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स ये जो सिस्टमैटिक्स है ये रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी है, ये एक तरीके से टैक्सोनॉमी, इट इज ब्रांच ऑफ रिलेटेड विथ टैक्सोनॉमी, ब्रांच रिलेटेड विथ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्लियर। अब सुनो सिस्टमैटिक्स, तो दो टाइप की सिस्टमैटिक्स दी गई थी, एक ओल्ड सिस्टमैटिक एक न्यू सिस्टमैटिक। ओल्ड सिस्टमैटिक मतलब पुराने जमाने की, ओल्ड मतलब पुराने जमाने की, है ना। तो देखो ओल्ड सिस्टमैटिक्स, सर ओवरराइटिंग, बेटा ओवरराइटिंग तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि शीट अलग है, मैंने नई शीट पे लिखना स्टार्ट किया है, फिर से एक बार रिफ्रेश करो, ओल्ड नहीं होगा, ठीक है। देखो बेटा ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है, ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है यानी द टर्म सिस्टमैटिक, द टर्म सिस्टमैटिक, देखो
ये एक इंग्लिश का वर्ड है, मैं नॉर्मली पूछता हूँ। मम्मी आपसे ऐसे कभी कभी कहती होंगी, या आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपनी चीजें वगैरह एकदम सही अच्छे तरीके से संभाल के रखने की आदत होगी, कि जो बुक्स हैं बुक्स की जगह पे हो, जो पेन है वो पेन की जगह पे हो, यानी आपका जो रूम है वो बिल्कुल अरेंज होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपकी जो जगह है जहां आप रह रहे हैं, अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, सिस्टम से होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए पूरा। बोलो, ऐसा वर्ड आपने कभी यूज किया है कि नहीं, सिस्टमेटिक, है ना? हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई कि घर जो है सिस्टमेटिक होना चाहिए, या आप जो काम कर रहे हैं वो पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कॉपी वहां फैली हुई, एक कॉपी वहां फैली हुई, तो मम्मी कहती है कि नहीं, अरे सब चीजें सही संभाल के एक जगह पे अच्छे से रखो। नॉर्मली ये चीजें तो बोलते ही हैं घर वाले, है ना? तो देखो, ये जो सिस्टमेटिक वर्ड है, ये सिस्टमेटिक वर्ड प्रपोज किया था किसने? लीनियस अंकल ने। किसने प्रपोज किया था? लीनियस अंकल ने। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है ये? एक कहाँ से आया है ये? ये एक लैटिन वर्ड है सिस्टमेटिक, जिसका मतलब क्या है? एक लैटिन वर्ड है सिस्टमेटिक, एक सेकेंड, सिस्टमेटिक जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टमा, सिस्टमा नाम का एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझे कि नहीं? क्या मतलब है इसका? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा एक लैटिन वर्ड है, जिससे एक टर्म आया सिस्टमेटिक्स। किसने दिया? लीनियस अंकल ने दिया। क्या मतलब है इस वर्ड का? कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के जो भाई ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक अच्छा होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी कहीं भी फैला हुआ है। समझे कि नहीं समझे? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? ये इसने बोला गया सिस्टमेटिक। ये जो ब्रांच है बिल्कुल टेक्सोनोमी से ही रिलेटेड है, ठीक है? टेक्सोनोमी से अलग नहीं है, टेक्सोनोमी के अंदर ही है, ठीक है? तो बहुत से बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि क्या है, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो वर्ड है ना सिस्टमा, सिस्टमा जो लैटिन वर्ड है, ये AIPMT ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई ये जो सिस्टमा वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इसका मतलब है। कुछ टफ है क्या इसमें? ये बताओ, कुछ टफ है क्या इसमें? कुछ भी टफ नहीं है, है ना? AIPMT ने पूछा था, बताओ भाई ये व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सिस्टमा वर्ड, तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है कि नहीं? सर डू वी हैव टू राइट दिस? यस बेटा, जितना भी इस पर चल रहा है ना सारा लिखना है, यही नोट्स है आपका, सब लिखना है इस पर। ठीक क्लियर, समझ में आया सिस्टमेटिक? तो देखो भाई, सिस्टमेटिक वर्ड तो आ गया। अब ये जो सिस्टमेटिक जो स्टडी की जा रही थी वो पुराने टाइम पे की जा रही थी भाई, बहुत साल पहले स्टार्ट हो गया था ना ये, तो उसको नाम दिया गया क्या? ओल्ड सिस्टमेटिक। अब नया जमाना आ गया है तो नई तरीके से स्टडी की गई, तो उसको नाम दे दिया गया क्या? न्यू सिस्टमेटिक। आप इसको ओल्ड सिस्टमेटिक कह सकते हैं, आप इसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी आप इसको कह सकते हैं, दोनों का मतलब बेटा सेम ही है। समझे कि नहीं समझे? आप इसको ओल्ड सिस्टमेटिक कहिए या आप इसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहिए, सब एक ही है। क्लियर?
क्योंकि यहाँ पे हम कर काम किसके लिए रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए कर रहे हैं ना। देखो इसी ओल्ड सिस्टमेटिक में आपको आगे लिखना है कि भाई इस ओल्ड सिस्टमेटिक में होता क्या है पहले, यानी कि जो काम था टेक्सोनॉमी के अंदर, इस क्लासिकल टेक्सोनॉमी, इस ओल्ड सिस्टमेटिक के अंदर वो किस तरीके से होता था। देखो भाई, तो यहां पे इस सिस्टमेटिक्स में, सिस्टमेटिक्स क्या है ये, सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डायवर्सिटी, डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल देयर कंपैरेटिव कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, इस ओल्ड सिस्टमेटिक में क्या है कि सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो बेटा, अब आप ह्यूमंस की बात ले लो, ह्यूमंस जो हैं, सर आई डू हैव नेट प्रॉब्लम। ओके बेटा, सर देखो ह्यूमंस जो हैं वो इस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कि भाई कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर जगह ह्यूमंस हैं कि नहीं, है ना। तो ये ह्यूमंस जो हैं वो खाने के लिए, वो शेल्टर के लिए, कपड़े के लिए इधर से उधर हर जगह भटके, इधर से उधर उन्होंने ट्रेवल किया किया कि नहीं। तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स ने इधर से उधर ट्रेवल किया नहीं किया। तो इस सिस्टमेटिक के अंदर जो डाइवर्सिटी है, जो ऑर्गेनिजम्स की जो डायवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, उसकी स्टडी तो करते ही हैं, उसके साथ उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी बात की जाती है। कंपेरेटिव भाई, कोई और ऑर्गेनिज्म इनसे कंपेयर करते हैं कि भाई कोई और ऑर्गेनिज्म है क्या, इनका एंसिस्टर कोई है क्या, इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहाँ रहे हैं। क्योंकि आज देखिए पूरी दुनिया में जैसे डॉग्स हैं, पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, ह्यूमंस हैं पूरी दुनिया में है। तो यहाँ पे ना ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की पूरी बात की जाती है, साथ में उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी बात की जाती है, ठीक है। तो इस ओल्ड सिस्टमेटिक में जो स्टडी की जा रही थी उस वक्त, वो कौन सी की जाती थी, कौन सी की जाती थी, तो वहां पे क्या करते थे, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही की जाती थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ रूट, आप रूट को देखिए मॉर्फोलॉजिकल, है ना, स्टेम को देखिए टाइप्स ऑफ स्टेम, समझे कि नहीं। क्या सभी स्टेम से एक जैसे होते हैं, क्या क्या दिखने में सभी स्टेम से एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो टाइप्स ऑफ स्टेम, स्टेम कितने हैं, टाइप्स ऑफ लीफ, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, टाइप्स ऑफ फ्लावर, क्या सभी फ्लावर एक जैसे होते हैं क्या। जैसे यहाँ पे लिखा है मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब आपको दिख कैसा रहा है, दो वर्ड होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एक एनाटॉमिकल, क्या ये दोनों वर्ड आपने सुने हैं, मुझे ये बताओ, ये मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से कैसा दिखता है, सुंदरता, जैसे हम सुंदरता की बात करते हैं,
है कि नहीं। तो ह्यूमंस जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कितने अलग अलग होते हैं, बाहर से अलग अलग दिखते हैं नहीं, कोई कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, मॉर्फोलॉजिकल कितने डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की आप बात कर लो, क्या प्लांट्स जो होते हैं क्या उन सभी के लीव्स एक जैसे आपको दिखते हैं क्या? कितने सारे टाइप्स के लीव्स हैं, कितने सारे टाइप्स के स्टेम हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल केवल बाहर से कैसा दिखता है, और एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर समझे, इंटरनल मतलब अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है। अब किसी भी ह्यूमन के कलेजे को खोल के देख लो, छाती को, उसके अंदर क्या होगा, लंग होगा, हार्ट होगा, रिब्स होंगे, सबके अंदर एक ही चीज होगा, होगा कि नहीं होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, क्लियर? तो मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, एनाटॉमिकल वर्ड क्या होता है, समझ में आया? और इस ओल्ड सिस्टमेटिक में क्या कर रहे हैं, ये समझ में आया क्या? है ना। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस नहीं की होगी, देखो उसको मैं बताता हूँ कौन सी सर, के जो टेक्सोनॉमी में जो हम बात कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि नहीं, कर रहे थे ना पहले तीनों चीजें, क्या वहां पे हमने किसी भी डिस्क्रिप्शन की बात की? अब सिस्टमेटिक में यही चीज बदल जाती है कि जो भी हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसका हम डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देंगे कि भाई आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे किया, हमने क्लासिफिकेशन में क्या किया, हमने नोमेनक्लेचर के लिए क्या किया। यानी कि ये जो सिस्टमेटिक है ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव, बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑन ईच लेवल, समझे लेवल? ये किस पे बेस्ड है, डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है। हमने आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर जो सब कर लिया, हम उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी उसका हम लोग देंगे, समझे कि नहीं समझे? हाँ क्लियर, ये टर्म याद रखना, यही डिफरेंस है मेन टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में। क्लियर? और ये टर्म सिस्टमेटिक्स किसने दिया था, बोलो किसने दिया था? अंकल जी थे जिनका नाम क्या था, लीनियस, समझे? तो अब देखो बेटा, अब मैं बात करता हूँ न्यू सिस्टमेटिक की, यानी अब आज के टाइम की जो सिस्टमेटिक स्टडी है, अब मैं उसकी बात करता हूँ। न्यू सिस्टमेटिक्स, न्यू सिस्टमेटिक्स, आप इसको नियो भी बोल सकते हैं, नियो सिस्टमेटिक, आप इसको मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, सब एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, क्लियर? अब देखो बेटा, न्यू सिस्टमेटिक आ गया ना, न्यू सिस्टमेटिक मतलब अ न्यू ब्रांच। अब ये क्या है, न्यू ब्रांच है ना। अब ये न्यू ब्रांच किसने दे दी, अभी किसने दे दिया, नेम गिवन बाय, अब नए साइंटिस्ट आ गए ना नए जमाने के, उनका नाम क्या था, जूलियन हक्सले, मैं यहां पे लिखता हूं उनका नाम जूलियन, जूलियन हक्सले, 1940 के टाइम पे उन्होंने दिया था ये, ठीक है, जूलियन हक्सले ने। अब सुनो कि यहां पे क्या बात की जाती है, अब जब हम इसके फादर वगैरह की बात करेंगे ना, नियो सिस्टमेटिक के फादर की, यानी मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर की, तो लीनियस अंकल ही हैं जो इसके फादर हैं। याद है मैंने पहले लिखाया था कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वगैरह कौन है, लीनियस अंकल। तो इस टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, लीनियस अंकल है, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, हम लोग कहाँ थे, न्यू सिस्टमेटिक में ना। तो अब न्यू सिस्टमेटिक में हो क्या रहा है, अब ये देखो, ये क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स
डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल। अब देखो यहां पे क्या बदला, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब यहां पे इंटरनल स्टडी भी होगी, समझे, वहां पे क्या था केवल मॉर्फोलॉजिकल था, केवल एक्सटर्नल था, यहां पे अब क्या आ गया एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, मतलब मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल, डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर है कि नहीं, डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव स्टडी आ गई। उसके साथ साथ जितनी स्टडी कर सकते हैं ना एक टैक्सोनॉमी के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म की, जितनी स्टडी की जा सकती है वो यहाँ इस न्यू सिस्टमेटिक में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल सर, अलोंग विद द सेल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके डेवलपमेंट की बात की जाएगी, डेवलपमेंट भाई उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात की जाएगी कि भाई वो रहता वहता कहाँ, उसका हैबिटेट वगैरह क्या है, समझे कि नहीं समझे, उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की भी बात की जाएगी कि कहाँ से बिलोंग करता है, समझे कि नहीं। और क्या बात की जाएगी सर, और क्या बात की जाएगी, देखो दो चीज, तो एक चीज तो यहाँ पे नई हमें ये मिल गई कि सर एक्सटर्नल तो पहले था ही, यहाँ पे इंटरनल भी आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की भी बात की जा रही है, उसके डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है, उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की भी बात की जा रही है, और क्या बात की जा रही है भाई, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, और किस पे बेस्ड है ये जो न्यू सिस्टमेटिक है, यहाँ पे और किसकी स्टडी की जाती है, लिखो यहाँ पे भाई, मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक। वहां पे जेनेटिक वगैरह की कोई बात की गई थी क्या, जीन्स वगैरह की नहीं की गई थी ना, तो जेनेटिक रिलेशनशिप क्या है उसकी भी बात की गई है यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे, एज कंपेयर टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि जितनी स्टडी आप कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में वो सारी स्टडी यहाँ इस न्यू सिस्टमेटिक में की जाती है, क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलिए। यानी उसका जो फिजियोलॉजिकल है, जो टिश्यू है, जो सेल सेल है, जो जेनेटिक्स है, सारी स्टडी की जाएगी यहाँ पर, टोटल स्टडी न्यू सिस्टमेटिक में, क्लियर। और कोई ये इस तरीके से परेशान हो, देखो मैं फिर से एक डाउट क्लियर कर दूं कि सर ये न्यू और ओल्ड क्या है, ओल्ड मतलब पुराने जमाने वाला, न्यू मतलब आज के जमाने वाला, समझे कि नहीं समझे, आज के जमाने वाला, तो दोनों में टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंस है भाई। तो स्टार्टिंग में जब चीजें आती हैं तो भाई चीजें बनती हैं तो धीरे धीरे सुधार आता है ना, आता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन आज देखो आप कैसा इस्तेमाल करते हो, इतनी बड़ी स्क्रीन का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो जिसमें ढेर सारे ऐप है कि नहीं। आज से 30 साल पहले की बात करोगे तब था क्या ये, जब तो नहीं था, छोटू से मोबाइल आया करते थे, नोकिया वगैरह किसी मोटोरोला के छोटू वाले, है कि नहीं। जब तक मैं 12th में था पापा ने मुझे एक ऐसा फोन दे रखा था नोकिया का जो ब्लैक एंड व्हाइट था, जिसमें घंटी भी मुश्किल से बजती थी, उसका कीपैड भी मैं अलग जेब में निकाल के रख लेता था, समझे, गेम वगैरह तो छोड़ ही दो, और ये स्क्रीन वगैरह का तो कोई काम ही नहीं था उसमें। तो धीरे धीरे बेटर हुआ कि नहीं, नई चीजें आई ना, एज इट इज सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी में भी हुआ भाई, पहले उस तरीके से स्टडी की जा रही थी, फिर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर और बदलाव किए, तो इसमें और डीपली और अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टडी की जा रही है एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्लियर है कि नहीं। बच्चों बेटा क्लास छोड़ के चले गए क्या, सब दिखाई नहीं दे रहे,
नेक्स्ट चलते हैं। तो टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक में कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी, कुछ भी? क्लियर सब? अब सुनो आगे की। अब मुझे ये बताओ, अब हमने इतनी टैक्सोनॉमी, इतना सिस्टमैटिक, ये सब इतना पढ़ लिया हमने, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं एक क्वेश्चन यहां पे कि सर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज, कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि हमने इतनी जो टैक्सोनॉमी, इतनी जो दो लेक्चर हमने बात की है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी? कोई बच्चा बता सकता है क्या? कोई बच्चा बता सकता है? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? हेलो बच्चों, विजय, निखिल, अजिंक्य, सुयश, दिव्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यस यस, कि भाई जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। समझे कि नहीं समझे? याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं तुम्हें जुपिटर पे घूमने के लिए भेज देता हूं, वहां पे आप लोग क्या करिए, बायोडायवर्सिटी की हेल्प करिए। कैसे हेल्प करेंगे? बोला था कि नहीं, शायद लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि कैसे हेल्प करेंगे। तो वहां पे मैं क्या कर रहा था, आप भेज रहा था ना अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसी के लिए तो भेज रहा था। तो वो यानी क्या है, वो टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए भेज रहा था कि नहीं? या जो साइंटिस्ट वगैरह जो जाते रहते हैं, इतने सारे, कोई रॉकेट जा रहा है, कभी कुछ, आते जाते रहते हैं, इसीलिए तो जाते हैं, लाइफ का पता चल जाए। बोलो, नेक्स्ट देखो बेटा, मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो पाई जाती है ना, कभी ऐसा क्वेश्चन अगर मिले कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, कहां पे मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। कहां मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो देखो, अब तक हमने जो बायोडायवर्सिटी की बात की है ना, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर, कि अब तक कितने सारे स्पीसीज हैं जिसके डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं, कितनी सारी बायोडायवर्सिटी के बारे में हमें पता है। समझे कि नहीं समझे? तो देखो वो बताता हूं मैं, द नंबर ऑफ स्पीसीज, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। क्लियर? और ये किसके लिए रेफर होता है? दिस रेफर्स टू बायोडायवर्सिटी। किसके लिए रेफर करते हैं हम ये चीज? दिस रेफर्स टू बायोडायवर्सिटी और द नंबर ऑफ और द नंबर and types of organisms present on earth. समझे?
और बेटा यहाँ पे देखो एक चीज और याद रखने की बात है कि ये मिलियन लिखा है मैंने, क्वेश्चन आपको बिलियन दे सकता है, याद रखना। 1.7 से लेके 1.8 मिलियन कहा है मैंने, आपको घुमाने के लिए बिलियन दे सकते हैं नीट वाले, क्या बोल देंगे? बिलियन है, समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना है मिलियन की बात की है। और जब स्पीसीज की बात की जाएगी ना, कि इसमें एनिमल और प्लांट की स्पीसीज की हम लोग बात कर लें कि भाई कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं, तो करीब करीब 12 लाख जो हैं, 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.6 मिलियन प्लांट्स हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं ये बात, कि 12 लाख तो एनिमल हैं, जस्ट डबल है एनिमल की पॉपुलेशन, एनिमल की जो स्पीसीज है वो जस्ट डबल है एज कंपेयर टू प्लांट्स। क्लियर? मेरी वॉइस आ रही है क्या आपको? हेलो, समझ में आया मैंने क्या बोला? कि हमारे पास टोटल स्पीसीज है इतना प्लांट्स और एनिमल्स का, अगर इसमें से भी कोई जानना चाहता है सर प्लांट का कितना है एनिमल का कितना है, तो 1.2 मिलियन एनिमल्स का है और 0.6 मिलियन प्लांट्स का है, प्लांट्स स्पीसीज का। क्लियर? हेलो बेटा, अथर्व क्या एक्सप्लेन करना है? अथर्व क्या चीज है जो समझ में नहीं आई? हेलो अथर्व, क्लियर? तो लास्ट का जो आपने बोला बेटा, मैंने कहा कि जो प्लांट्स की जो स्पीसीज है ना, अगर जो टोटल बायोडायवर्सिटी का जो नंबर हमारे पास प्रेजेंट है, अगर उसमें से आप एनिमल और प्लांट की बायोडायवर्सिटी को अगर अलग अलग करोगे, तो प्लांट्स की जो स्पीसीज है वो 0.6 मिलियन है और एनिमल्स की 1.2 मिलियन है अप्रोक्स। अगर हिंदी में बोले तो 12 लाख करीब एनिमल्स हैं और 5 से 6 लाख करीब प्लांट्स की स्पीसीज हैं। क्लियर? ये मैंने बोला, तो मिलियन याद रखना है, मिलियन, बिलियन मत समझ लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 90 के 90, 90 के 90 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए नीट में, समझे? जितने ज्यादा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सॉल्व होंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि रैंक एक एक नंबर से ऊपर नीचे होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉमन क्लेचर की। किसकी बात करते हैं? नॉमन क्लेचर की। उससे भी पहले मैं एक चीज लिखा देता हूं यहां पे, देखो आपको ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है, अल्फा टैक्सोनॉमी, अल्फा टैक्सोनॉमी। ये अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है, या इसको आप क्लासिकल टेक्सोनोमी कह सकते हैं, या आप इसको ओल्ड सिस्टमेटिक कह सकते हैं। ठीक है, आपको कभी कभी क्वेश्चन मिलेगा कि भाई अल्फा टेक्सोनोमी, क्लासिकल टेक्सोनोमी या ओल्ड सिस्टमेटिक, इसमें स्टडी किसकी हो रही है, क्या स्टडी कर रहे हैं? तो भाई यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, हमने अभी देखा ना ओल्ड सिस्टमेटिक में क्या स्टडी कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इसको लिख लो,
अल्फा टेक्सनो। हेलो बेटा, वॉइस आ रहा है? अल्फा टेक्सोनॉमी इसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बहुत सारी टेक्सोनॉमी है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, अल्फा है, बीटा है, ओमेगा है, ठीक है। देखो, और मैं अभी, चलो अभी बता देता हूँ, यानी मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल, ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा बीटा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी। अब देखो बीटा टेक्सोनॉमी में क्या होगा कि यहां पर आपने एक्सटर्नल की तो बात की, एक्सटर्नल यानी मॉर्फोलॉजी, प्लस इंटरनल की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरनल यानी कि मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल, ये बात होगी, क्लियर। इसको बोलते हैं बीटा टेक्सोनॉमी, ठीक है। आप इसको मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी इसको कहा जाता है, मॉडर्न। एक सेकेंड, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। एक होती है बेटा ओमेगा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी जो है बच्चों, इसमें क्या करेंगे, जितना भी डेटा अवेलेबल है ना, जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितनी स्टडी की जा सकती है, वो इस ओमेगा टेक्सोनॉमी को नाम दिया गया है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि इसका क्या है, ओमेगा टेक्सोनॉमी हैज वाइडेस्ट स्कोप, क्लियर। ओमेगा टेक्सोनॉमी हैज वाइडेस्ट स्कोप। किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन। एक सेकेंड, ऑल द इंफॉर्मेशन, क्लियर। और डेटा अवेलेबल अबाउट प्लांट्स, है कि नहीं? यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल जितनी स्टडी की जा सकती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी इसी ओमेगा टेक्सोनॉमी के अंदर आएगा। समझे कि नहीं? क्योंकि फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी ना ओमेगा टेक्सोनॉमी में, तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी इसी के अंदर डाल दिया जाएगा। समझे? तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि भाई जो अल्फा बीटा गामा है, ये जो वर्ड्स हैं टेक्सोनॉमी वाले, जो वर्ड्स हैं अल्फा बीटा ओमेगा वाले, ये वर्ड्स किसने प्रपोज किए, तो ये प्रपोज किए थे ट्यूरेल अंकल ने। किसने? ट्यूरेल अंकल ने। लिख लो, अल्फा बीटा एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी वर्ड्स वर प्रपोज्ड बाय ट्यूरेल, TURILL। समझे क्या? जैसे एक और भी कई सारी टेक्सोनॉमी है, मैं आगे पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। जैसे एक है कैरियो टेक्सोनॉमी, समझते हो? कैरियो टेक्सोनॉमी, KARYO। तो न्यूक्लियस को बोला जाता है ना कैरियन, सुना है कि नहीं? न्यूक्लियस को साइंटिफिक लैंग्वेज में कैरियन बोला जाता है, KARYON, कैरियन। तो उसकी उसके अगर उसकी स्टडी करेंगे तो नाम क्या रख दिया, कैरियो टेक्सोनॉमी। यानी कि आप क्रोमोजोमल स्टडी करिए, उसको कैरियो टेक्सोनॉमी कहेंगे। मान लीजिए आपको किसी ऑर्गेनिजम्स की क्रोमोजोमल स्टडी करनी है सारी की सारी, तो आपको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली? कैरियोटेक्सोनॉमी की। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बच्चों, हेलो, समझ में आया? चाहो तो लिख लो कैरियोटेक्सोनॉमी इसको क्रोमोसोमल स्टडी, ऐसे लिख सकते हो, कैरियोटेक्सोनॉमी इसको टू क्रोमोसोमल स्टडी, क्रोमोसोमल स्टडी, क्लियर।
ठीक है। तो बेटा आज आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा था, इसमें किसी को कोई डाउट कुछ भी मन में है किसी के? हाँ आपकी क्लास बिल्कुल वैसे ही मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि ऑफलाइन चलती है। ऑफलाइन जैसे हम पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही, जैसे बोर्ड पे वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, सारी चीजें बोर्ड पे लिखते हैं, उसी तरीके से। बेटा नोट्स में भेज दूंगा, नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या स्टार्ट कर लें नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर लें क्या? हेलो, मन नहीं है क्या पढ़ने का? देखो भाई, तो नॉमनक्लेचर की हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा बाइनोमियल सिस्टम। कौन सा? बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम। दो बेटा, ये जो बाइनोमियल सिस्टम है ना, ये प्रपोज किसने किया था? सबसे पहली बात देखो, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, ये नॉमनक्लेचर है जिसके जो हमने एक नाम दिया था ना सोलेनम ट्यूबरोसम, वो इसी सिस्टम से आया। बाइनोमियल, बाई मतलब दो, नोमियल मतलब नेम, दो नाम का नेम, समझे कि नहीं? बाइनोमियल का मतलब बाई मतलब टू, ए बी, बी कितने बाद है? टू पे ना, बाई मतलब टू और नोमियल मतलब नेम, यानी कि इस नेम में कितने हैं? दो वर्ड हैं, समझे कि नहीं समझे? तो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, सबसे पहली बार प्रपोज्ड किसने किया था? फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गैस्पर्ड बोहिन। गैस्पर्ड बोहिन नाम के एक अंकल जी थे, गैस्पर्ड बोहिन नाम के अंकल जी हुआ करते थे, उन्होंने दिया था, सबसे पहले प्रपोज किया था उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम को अपनी बुक में। इनकी एक बुक थी, थिएटर गए हो कभी? मूवी देखने जाओगे? बोलो, मेरे पैसों से? तो इनकी बुक का नाम था पाइनेक्स थिएटर बॉटनी का, समझे क्या? इनकी बुक का नाम क्या था? पाइनेक्स थिएटर बॉटनी का। इस नाम की बुक में ना इन्होंने इसको प्रपोज्ड किया था, बाइनोमियल सिस्टम को। लेकिन गैस्पर्ड बोहिन जो थे ना, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस नॉमनक्लेचर के बारे में। उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम तो दिया, बट वो इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाए, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और उन्होंने फिर इसको छोड़ दिया। ये उन्होंने किया था। तो ये लाइन भी मैं लिख देता हूं, याद रहे जैसे, कि गैस्पर्ड बोहिन कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, कुड नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट नॉमनक्लेचर। वो इस नॉमनक्लेचर के बारे में बोल नहीं पाए, जैसे ही लोगों ने सवाल जवाब किए, है ना, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि भैया मेरे बस की बात अब नहीं है, मैं नहीं कर सकता आगे, है ना, उन्होंने छोड़ दिया। तो देखो फिर उसके बाद कौन आए बताओ, मेरे फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? बोलो, हेलो।
मैंने पूछा कि गैस्पर्ड बॉयन ने तो छोड़ दिया था, वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर उसके बाद नए साइंटिस्ट आए थे, तो उनका नाम क्या है? मैंने हिंट भी दिया है कि मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं वो जो आए, क्या नाम? हाँ, बच्चों ने बताया सर, लीनियस। यस, लीनियस अंकल आए, क्योंकि जब काम कोई नहीं कर पाता था तो हर कोई फिर लीनियस अंकल के पास आता था कि सर ये काम कर दीजिए, है ना? तो लीनियस अंकल आ गए थे हमारे, उन्होंने फिर कमान संभाली और उन्होंने सारा काम, ये जो सिस्टम था, नॉमन क्लेचर था, वो उन्होंने दिया। यानी कि उस टाइम के कौन थे? पंडित जी थे। हमारे यहाँ पहले नॉमन क्लेचर नामकरण कौन करता था? पंडित जी से ही करवाते हैं ना। पंडित जी बताते हैं कि नहीं, सा पे नाम निकला है, र पे नाम निकला है, आ पे नाम निकला है, ई पे नाम निकला है, का पे नाम निकला है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो ये उस टाइम के पंडित जी थे, ये बोले कि चलो कोई बात नहीं, नामकरण हम करेंगे, नॉमन क्लेचर हम देंगे, कोई नहीं दे पा रहा है तो ठीक है। तो इन पंडित जी की बात ना फिर हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि चीजें फिर छूट जाएंगी, मजा नहीं आएगा आधे अधूरे में, है ना? आप लोग सोचते रहेंगे अब आगे क्या होगा, आगे की स्टोरी क्या है। ठीक है, तो इसकी बात ना फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आगे की स्टोरी जानने के लिए बेटा जुड़े रहिए इसी बायोलॉजी वाले एपिसोड से, है ना? यस, चलो फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।